देश में जनसंख्या नियंत्रण आईन आने जरूरी बोली कहले आरएसएस मुख्य मोहन भागवत। कि जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं, जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता, और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सुदान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है, वहां घुसपैठ से भी ये होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार करने कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि फिर से समाज में अगर उसको नहीं माना तो नीति क्या करेगी? समाज स्वीकार करता है, अगर लाभ देने वाली बात है, स्वार्थ की बात है, समाज सहर्ष स्वीकार करता है, उसके लिए समझाना नहीं पड़ता। लाभ दिखता है या 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद बच्चों को मिलने वाला है, ये अगर पक्का है समाज उसको स्वीकार करता है। लेकिन जहां देश के लिए छोड़ना पड़ता है, हमको नहीं मिलेगा किसी और को मिलेगा, जलना बंद करके देना पड़ता है, वहां समाज में सहयोग दिखता है कि प्रतिरोध दिखता है, सवाल बात है। जो ऐसा त्याग करना पड़ता है, जो ऐसी तपस्या करनी पड़ती है, उसको भी समाज स्वीकार करे। इसलिए देश में द्रुत गति में जनसंख्या वृद्धि नहीं पुणी थरे चिंता प्रकट करछन्ती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन मुख्य मोहन भागवत। आज विजयादशमी उपलक्षे नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में जोगद से देश में जनसंख्या नियंत्रण आईन आसवा उचित बोली जनसंख्यार धर्मभित्तिक असंतुलन को नहीं गभर चिंता प्रकट कर मोहन भागवत। धार्मिक संतुलन जन विस्फोरण प्रति ध्यान देवा जरूरी बोली से कहते। ए अवसर में मोहन भागवत पूर्व तिमोरी कोसोवो और दक्षिण सुदान उदाहरण देते। जनसंख्यार धर्मभित्तिक असंतुलन जो देशगुड़िकर उत्पत्ति है से कहते। जनसंख्या नियंत्रण सह धर्मभित्तिक जनसंख्या संतुलन रहा अत्यंत जरूरी बोली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर अध्यक्ष प्रकाश कर।